और बिहार से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, ये जानने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का। अमन चोपड़ा वहां से मौजूद है। अमन बताइए, अमन के पास हम चलेंगे। आपको बता दें बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने किया है विपक्ष पर बड़ा हमला। बिहार की बेटी का चयन हराने के लिए क्यों किया गया है, नीतीश कुमार ने यह कहा है। राष्ट्रपति चुनाव में मीरा कुमार की उम्मीदवारी पर बोले नीतीश। आपको बता दें इफ्तार पार्टी में लालू प्रसाद यादव के घर पहुंचे हुए थे और उसके बाद उन्होंने विपक्ष पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार की बेटी का चयन हराने के लिए क्यों, यानी कि सीधा सीधा नीतीश कुमार ये बताने और जताने की कोशिश की, चूंकि रामनाथ कोविंद का जीतना पहले से ही तय है, ऐसे में मीरा कुमार को उनके सामने हराने के लिए क्यों खड़ा किया है विपक्ष ने। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं से कुछ देर पहले की, यह तस्वीर जब लालू प्रसाद यादव ने दी थी इफ्तार पार्टी और उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे नीतीश कुमार, लेकिन इफ्तार पार्टी खत्म होने के बाद जब वो मीडिया से मुखातिब हुए बाहर, उसके बाद उन्होंने सीधे सीधे विपक्ष पर हमला बोल दिया। आपको बता दें लालू प्रसाद यादव की ओर से बार बार यही कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार अपना फैसला नहीं बदलते हैं तो वो फिर भारी भूल करेंगे, लेकिन नीतीश के ऊपर लालू प्रसाद यादव की इस बात का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने एक तरफ से ना सिर्फ लालू प्रसाद पर बल्कि कि समूचे विपक्ष पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। रहते हुए स्पीकर रहते हुए उसमें कोई अलग राय नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है बिहार की बेटी की बात कही जा रही है, तो क्या बिहार की बेटी का चयन हारने के लिए किया गया? अरे बिहार की बेटी का चयन तो जीतने के लिए करना चाहिए था। बिहार की बेटी के प्रति इतना सम्मान था तो इसके पहले दो बार अवसर थे, उस समय तो बिहार की बेटी याद नहीं आई थी। और मेरी समझ से अब भी इनको पुनर्विचार करना चाहिए, और सचमुच बिहार की बेटी के प्रति सम्मान है तो 2019 में जीत की रणनीति बनाइए और 2022 में बिहार की बेटी को राष्ट्रपति बनाइए। अभी अभी आप उम्मीदवार बना सकते हैं और यह उम्मीदवार तो हारने के लिए, तो बिहार की बेटी का चयन हारने के लिए, अरे जीतने के लिए तो चयन कीजिए। और यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, राष्ट्रपति का चुनाव उसको इस रूप में लेना चाहिए मेरी समझ से। और हम लोगों ने इस पर पार्टी के अंदर पूरे तौर पर गौर किया है और आपको पहले भी बताया कि हम लोगों ने हर पहलू को गौर करके यह निर्णय लिया है, और यह निर्णय राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्णय। और जहां तक जनता दलियों की बात है, ऐसे मसलों पर जनता दलियों स्वतंत्र निर्णय लेती रही है। हम लोग जब एनडीए में भी थे तो जब प्रणब बाबू के खिलाफ और हामिद अली अंसारी के खिलाफ कुछ ऐसे बयान दिए गए थे बीजेपी के द्वारा कि एनडीए में रहते हुए हमने उस पर एतराज प्रकट किया था, और जब प्रणब बाबू राष्ट्रपति के उम्मीदवार घोषित हुए एनडीए की तरफ से उन्होंने समर्थन किया, तो यह नहीं भूलना चाहिए। राष्ट्रपति का पद उस प्रकार से राजनीतिक मुकाबले का पद नहीं। बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। सीधा हमला यहां पर लालू प्रसाद यादव को, बिहार की बेटी को चुनाव में हारने के लिए क्यों उतारा गया है। सीधे रुक कर लेते हैं अमन चोपड़ा न्यूज रूम से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, जो बयान दिया है इस वक्त नीतीश बाबू ने, इसके मायने क्या निकाले जाए? बिल्कुल चित्रा, ये बहुत बड़ा बयान है क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि शायद नीतीश कुमार पर दबाव है, शायद वो अपना रुख पलटेंगे, लेकिन यहां पर नीतीश ने साफ कर दिया है कि हारने के लिए, क्योंकि अंक गणित जो है वो फेवर में है, वो पक्ष में है रामनाथ कोविंद के, और अंक गणित के लिहाज से देखा जाए तो फिर मीरा कुमार का पक्ष थोड़ा कमजोर है, ये नीतीश कुमार जानते हैं। और इसलिए बार बार नीतीश कुमार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि बिहार की बेटी, यानी कि मीरा कुमार, और बिहार की बेटी कहा था लालू प्रसाद यादव ने, इसलिए निशाना और जवाब लालू प्रसाद यादव को दिया है कि बिहार की बेटी का चयन हारने के लिए क्यों, अगर जिताना ही है तो फिर पहले 2019 की तैयारी कीजिए, फिर 2022 में खड़ा करिएगा, अभी अंक गणित आपके पक्ष में नहीं है, ये एक बात। दूसरी बड़ी बात ये कही है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की तरफ से कहा गया था कि फैसले पर पुनर्विचार करें वरना यह ऐतिहासिक भूल होगी। चित्रा, इस पर भी सवाल पूछा, प्रकाश कुमार ने सवाल पूछा, वो वहां पर मौजूद थे, इस पर नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया कि अगर यह ऐतिहासिक भूल है तो होने दीजिए। उन्होंने सलाह भी दी है, मेरी सलाह है कि आप लोग अपने फैसले पर पुनर्विचार करें क्योंकि इससे विपक्ष कमजोर हो रहा है। और यह भी कहा गया कि अगर 2019 की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं तो फिर हार से लड़ाई की शुरुआत क्यों कर रहे हैं, यह सलाह भी दिया नीतीश ने।
महत्वपूर्ण बातें यहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से कही गई हैं। 2019 की तैयारी करे विपक्ष, यानी कि खुद से नेतृत्व के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं नीतीश बाबू, इसके अब ये भी मायने लगाए जाएंगे। इस पर जैसे ही प्रतिक्रिया आती है आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इसके पहले नीतीश कुमार पर लालू ने आज अलग खिचड़ी पकाने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा था, सुनिए। अब एकाएक क्या पता नहीं क्या खिचड़ी पकी, क्या खिचड़ी पकी नीतीश जी का। पार्टी जदयू ने नाम बोल दिया भाजपा के उम्मीदवार का, आरएसएस के उम्मीदवार का नाम ले लिया। लालू कह रहे हैं कि नीतीश ने क्या खिचड़ी पकाई ये पता नहीं, लेकिन ये सबको पता है कि नीतीश ने राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन दिया है। लालू इसे ऐतिहासिक भूल बताते हुए नीतीश को फिर से विचार करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि संघ मुक्त भारत बनाना है, संघ मुक्त भारत बनाना है, संघ मुक्त भारत बनाना है, तो हम तो कायम है, इसलिए हम जरूर नीतीश जी से बात करेंगे और अपील करेंगे कि आप लोग इस पर पुनर्विचार करिए, ऐतिहासिक गलती तो आप लोगों से हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नीतीश अपने फैसले पर विचार करेंगे। वैसे नीतीश कुमार को जानने वाले ये मानते हैं कि एक बार उन्होंने जो फैसला कर लिया उससे वो पलटते नहीं हैं। एक बार जो कमिटमेंट कर दी उससे पीछे नहीं हटता नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने सीधे सीधे विपक्ष पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं कि मीरा कुमार को, यानी कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर विपक्ष ने एक बेटी को हराने के लिए मैदान में क्यों उतारा है। उधर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर एनडीए ने शक्ति प्रदर्शन करके विरोधियों को अपनी ताकत का एहसास भी कराया। रामनाथ कोविंद ने जब नामांकन का पर्चा दाखिल किया तब वहां मौजूद पीएम सहित तमाम नेताओं ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। नामांकन भरते वक्त कोविंद के एक तरफ पीएम मोदी बैठे थे तो दूसरी ओर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। इस मौके पर एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के बड़े नेता तो थे ही, 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। इनमें ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना के सीएम भी थे। नामांकन के बाद जब नेता बाहर निकल रहे थे तब मीडिया के सामने एक दूसरे का हाथ उठाकर सभी ने एकता का इजहार भी किया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।